Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. कनाडा में पचानवे फीसद से ज्यादा विफाक मुलाजमीन को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन दी जा चुकी है मुलाजमीन को अपने वैक्सीनेशन का सबूत फराहम करने के लिए गुजिश्ता जुमे तक का वक्त दिया गया था कंजर्वेटिव रहनुमा ने अपने एक तहरीरी बयान में कहा है कि जस्टिन टूडो न सिर्फ कनेडियंस तर्जुमानों खूसी और उनके खानदानों को अफगानिस्तान से निकालने में नाकाम रहे क्योंकि मुल्क तालिबान के कब्जे में चला गया था कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी मरीजों की मजमू तादाद सत्रह लाख पच्चीस हजार एक सौ इक्यावन तक जा पहुंची हलाकती उनतीस हजार एक सौ पंद्रह हो गई अफगानिस्तान में तालिबान की गाड़ी पर हमला दो एहलकार मौके पर जाम बहाक हो गए और तीन शदीद जख्मी हो गए जख्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है जबकि धमाके के नतीजे में तालिबान की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई बाइडन इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ हथियारों की सबसे बड़ी डील कर ली अमेरिका ने सऊदी अरब को 650 मिलियन डॉलर्स के हथियारों की फरोख की मंजूरी दे दी अकवा मुतहद का सोनामी के ख़तरे के बारे में आगाही पैदा करने पर जोर इस साल सोनामी की आगाही का दिन सेंडाई सेवन मुहिम के हदफ को फ़रोक देना है दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराध की तादाद चौबीस करोड़ चौरानवे लाख सतासी हज़ार अट्ठावन हो गई जबकि इस मोजी वायरस से अमवाद पचास लाख सैंतालीस हज़ार आठ सौ पचपन हो गए जबकि बाईस करोड़ उनसठ लाख छब्बीस हजार छः सौ चौंतीस कोरोना मरीज हो चुके हैं हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ ग्रीनश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्जॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com विफाक पब्लिक सर्विस के पचानवे फ़ीसद से ज्यादा कारकुनों को कोविड नाइन्टीन के खिलाफ मुकम्मल तौर पर वैक्सीन दी जा चुकी है जिसके बाद ज़्यादातर अफरादी कौत एक नए मुल्क गिर मैंडट के मुताबिक है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा में पचानवे फ़ीसद से ज्यादा विफाक मुलाजमीन को करोना वायरस से बचाव की वैक्सीन दी जा चुकी है विफाकी पब्लिक सर्विस के पचानवे फ़ीसद से ज्यादा कारकुनों को कोविड नाइन्टीन के खिलाफ मुकम्मल तौर तो पर वैक्सीन दी जा चुकी है जिसके बाद ज्यादातर अफराधी क़ुत एक नए नएगी मैंडेट के मुताबिक है मुलाजमीन को अपनी वैक्सीनेशन का सबूत फराहम करने के लिए गुजशत जुमे तक का वक्त दिया गया था बुध तक ट्रेजरी बोर्ड ऑफ कैनेडा सेक्रेटेरिएट का कहना है की अवमी खदमत में मुलाजिम तकरीबन दो लाख अड़सठ हजार कारकुनों में से निन्यानवे अशारिया सात फीसद ने अपने अपने स्टेशन जमा करा दिए हैं इनमें से एक हज़ार दो सौ पचपन मुलाजमी यानि सिफर आशारिया पाँच फीसद अफराधी क़वत वैक्सीन लगाए बगैर रह गई है जबकि तीन हजार एक सौ पचास मलाजमान यानी एक आशारिया दो फीसद ने इसना इस की दरख्वास्त की है अक्टूबर को ऐलान करदा मैंडेट का इतलाक विफाक हुकूमत के तमाम कार के, साथ साथ के अरकान पर भी होता है हुकूमत पहले भी कह चुकी है की जिन लोगों ने सिर्फ एक खुराक दी है उन्हें बगैर तनख्वाह की छुट्टी पर रखने से पहले अपनी अगली खुराक हासिल करने के लिए दस हफ्ते दिए जाएंगे कैनेडा की अपोजीशन जमात हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि वो काबुल की उन पन्गहों को फौरी फंड फराहम करें जहाँ सत्रह सौ अफगान तर्जुमान और उनके खानदान पना लिए हुए हैं मज़द जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा की अपोजिशन जमात हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि वो काबुल की उन पना गाहों को फौरी फंड फराहम करे जहाँ सत्रह सौ अफवाह तर्जुमान और उनके ख़ानदान पनाह लिए हुए हैं अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है की उन लोगों के लिए इकदाम न करना उन लोगों को अफगानिस्तान के नए तालिबान हुक्मरानों के रहमु करम आरोप छोड़ना है कंजर्वेटिव एम पी का कहना है की ट्रूडो हुकूमत का इस बारे में कोई इकदाम फिलहाल नजर नहीं आ रहा और इसे आगे बढ़ कर अखराज के खला को पूरा करना चाहिए हुकूमत ने सेफ हाउसेज के लिए बराह रास्त माली इमदाद नहीं की है जिन्हें अगस्त के में तालिबान के बाद कमजोर को डॉलर जमा किए थे और अब कहते हैं की जुमे के बाद सेफ हाउस को खुला रखने के लिए उन्हें इजाफी पाँच मिलियन दरकार होंगे कंजर्वेटिव रहनुमा ने एक तहरीरी बयान में कहा कि जस्टिन टूडो न सिर्फ कैनेडियनों तर्जमानों माबन अमले और उनके खानदानों को अफगानिस्तान से निकालने में नाकाम रहे क्योंकि मुल्क तालिबान के कब्जे में चला गया था बल्कि अब वो उनके महफूज घरों के लिए फंड्स देने से इनकार कर रहे हैं इन अफराद ने अफगानिस्तान में हमारे फौजी हीरोज की मदद की और कम से कम हम ये यकीनी बनाने में मदद कर सकते हैं कि वो महफूज हैं ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा सिक्योरिटी के तहफात का हवाला देते हुए महफूज घरों के बारे में हुकूमती कोशिशों के बारे में बहुत कम आगाही दे रहा है उसने कहा है कि वो वेटर ट्रांजिशन नेटवर्क और जर्नलिस्ट फॉर ह्यूमन राइट्स के साथ मिलकर अफगानिस्तान में उन लोगों के तहफ़ के लिए काम कर रहा है जो तालिबान के निशाने पर हैं जिनमें इंसानी हकूक़ के मुहाफ़ और कैनेडा की मसल अफवाज के सबक तर्जुमान शामिल हैं ऑन्टेरियाबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है सूबे भर में कोरोना वायरस ऐसी मुतासर होने वालों की तादाद छ लाख एक हजार पाँच सौ चौबीस तक जा पहुँची है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है आखिरी इतलात के मुताबिक कैनेडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमु तादाद सत्रह लाख पच्चीस हजार एक सौ इक्यावन तक जा पहुँची है जबकि हलाकते उनतीस हजार एक सौ पंद्रह हो गई मुल्क भर में सोलह लाख बहत्तर हजार आठ सौ चौहत्तर से जायद मरीज सेहत याब हो चुके हैं ऑनटेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद छह लाख एक हजार पाँच सौ चौबीस तक जा पहुँची है जबकि हलाकतों की तादाद नौ हजार आठ सौ इक्यानवे है कैनेडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा क्यूबैक सूबे में हुई सूबे में कोरोना वायरस के मजबूरी केसेस की तादाद चार लाख अट्ठाईस हजार सात है जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद ग्यारह हजार पाँच सौ दस तक पहुँच चुकी है कैनेडियन सूबे अलबटा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबटा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह ऐसी बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है सूबे में तीन लाख पच्चीस हजार पाँच सौ सत्रह अफराद करोना वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि तीन हजार एक सौ सैंतीस अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कोलम्बिया में केसेस की तादाद दो लाख सात हजार सात सौ सोलह है जबकि सूबे में करोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद दो हजार दो सौ है अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में रोड किनारे नज बम धमाके में तालिबान की गाड़ी तबाह हो गई जिसके नतीजे में दो अहलकार जाम बहाक और तीन जख्मी हो गए इस हवाले से मजीद जानते हैं अफगानिस्तान में तालिबान की गाड़ी पर हमला दो जाबहक हाँ और तीन जख्मी खबर इदारे के मुताबिक जलालाबाद में सड़क किनारे नस बम उस वक्त जोरदार धमाके से फट गया जब वहाँ से तालिबान अहलकारों की गश्त पर मामूर गाड़ी गुजर रही थी धमाके के नतीजे में तालिबान की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई जबकि दो अहलकार मौके पर जाबहक हाँ हो गए और तीन शदीद जख्मी है जख्मियों में से एक की हालत नाज़ुक बताई जा रही है तालिबान के एक मकामी कमांडर ने मीडिया को बताया की हमले में चार एहलकार जख्मी है ताहम अस्पताल जराए और एनी ने हलाकतों की तस्दीक की है ताह किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है ताहम इस इलाके में दाइश खुरासा की जड़े काफी मजबूत है और तालिबान के हुकूमत संभालने के बाद ऐसी हर धमाके और हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की है वाज रहे है कि चंद रोज कबल ही मिलिट्री अस्पताल में हमले में तालिबान की बदरी तीन सौ तेरह फोर्स के सरबर समेत बीस अफराज जा बहक और दर्जनों जख्मी हो गए थे और हमले की जिम्मेदारी दाइश खुरास ने कबूल की थी अमरीकी महकमा दिफा पैंटागॉन ने सऊदी अरब को फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की फरोह की मंजूरी की तस्दीक की है जो बाइडन इंतजामिया की जानब से किसी खलीजी मुल्क से अब तक हथियारों की सबसे बड़ी डील है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में पेंटागन की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी महकमा खारजा ने मौजूदा और मुस्तबिल के खतरा को देखते हुए सऊदी अरब की मदद के लिए हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दी है पेंटागन का कहना है कि सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त अमरीका की खारजा पॉलिसी और दोस्त की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के ज़रिए उसकी कौमी सलामती में भी मामूल होगी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की जानब से सऊदी अरब को हथियारों की फरोख की मंजूरी ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी सदर ने अपने एक बयान में कहा था कि वो यमन जंग में जारहाना ऑपरेशन में सऊदी अरब की मदद खत्म कर देंगे जो हथियारों की फरुख से मुतलब भी है अकवा मुत के सेक्रेटरी जनरल एंतोनियो गोथरेस ने आर्मी बरदरी से सोनामी के खतरा के बारे में आगाही पैदा करने और खतरा को कम करने के लिए जदीद तरीकों का इश्तराक करने का मुतालबा किया है मजीद तफ़ी जानते हैं इस रिपोर्ट में अकवा मुतहदा का सुनामी के खतरे के बारे में आगाही पैदा करने पर जोर दिसंबर 2015 में अकोम मुतहदा की जनरल असम्बली ने 5 नवंबर को सुनामी से मुझे आगाही का जिसमें ममालिक बैकामी इधारों और सिविल सोसाइटी से सुनामी के बारे में आगाही पैदा करने और खतरे में कमी के लिए इख्तराय तरीकों का इश्तराक करने की अपील की गयी इस साल सुनामी की आगाही का दिन सेंडाइज सेवन मुहिम के हदफ को फरोख देना है जिसका मकसद तरक्की पजीर ममालिक के साथ बैन अमामी ताबन को काफ़ी हद तक बढ़ाना है साल दो हज़ार तीस तक के एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की पचास फीसद आबादी साहली इलाकों में मुकीम होगी जो सैलाब तूफान और सुनामी की जद में है कोरोना वायरस केसेस और इससे अमात के एतवार से अमरीका पहले नंबर पर है जहाँ इस वायरस से अब तक सात लाख बहत्तर हजार तीन सौ पंद्रह अफराद मौत के मुँह में पहुँच चुके हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद चौबीस करोड़ चौरानवे लाख सतासी हजार अट्ठावन तक जा पहुँची है जबकि इस मूजी वायरस से अमवात पचास लाख सैंतालीस हजार आठ सौ पचपन हो गई जबकि बाईस करोड़ उनसठ लाख छब्बीस हजार छः सौ चौंतीस करोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं कोरोना वायरस केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका हाल पहले नंबर पर है जहाँ इस वायरस से अब तक सात लाख बहत्तर हजार तीन सौ पंद्रह अफराध मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमु तादाद चार करोड़ इकहत्तर लाख सतासी हजार दो सौ छप्पन हो चुकी है एक अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है जहाँ इस वायरस ऐसी चार लाख उनसठ हजार आठ सौ पिछहत्तर हो चुकी जबकि इससे मुतासरा तीन करोड़ तैतालीस लाख बत्तीस हजार चार सौ सात मरीज सामने आ चुके हैं तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात इकहत्तर हजार पाँच सौ छब्बीस तक जा पहुँची हैं, जबकि केसेस इक्यासी लाख पचास हजार सात सौ आठ हो चुके हैं ईरान में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद एक लाख छब्बीस हजार नौ सौ इक्कीस हो गई जबकि इसके कुल केसेस उनसठ लाख हजार आठ सौ चौबीस हो गए सऊदी अरब इसी फहरिस में पचपनवें नंबर पर पहुंच चुका है जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात रिपोर्ट हुई हैं जबकि मुम्लिकत में कोरोना मरीजों की तादाद पाँच लाख अड़तालीस हजार आठ सौ पाँच तक जा पहुंची है टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.